यह शेषनाग बेस कैंप से लाइव दृश्य आप देख रहे हैं। काफी सारे टेंट वाले यहां से अब काम छोड़कर चला गए हैं और काफी सारे जो लंगर्स वाले थे वो भी चला गए हैं, जो आपके सामने विजुअल्स दिख रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है और बारिश हो रही है। फिलहाल यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है जब तक मौसम साफ होगा। और ये आप देख रहे हैं यानी कि बहुत ही कम संख्या में अब यहाँ पर टेंट बचे हैं और ऊपरी पहाड़ों पर लगता है कि बर्फबारी भी हुई है। जी हाँ, इसीलिए मैदानी इलाकों में खासकर ठंड हो रही है अभी शेषनाग में। आप सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहूँगा फिलहाल पंचतरणी की ओर जाने के लिए फिलहाल रास्ता बंद कर दिया गया है। ये आप शेषनाग से लाइव विजुअल्स देख रहे हैं आज के बाबा श्री अमरनाथ जी यात्रा के। और फिलहाल यात्रा में भारी गिरावट हुई है, आप सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहूँगा। और इसके कारण जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में जो पहले पहुँच रहे थे वो अब नहीं पहुँच पा रहे हैं। यात्रा में अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। सामने की ओर आप देख रहे हैं जो कैंप्स हैं वो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुँचे हैं उन्हें फिलहाल यहीं पर रोक दिया गया है। हल्की से माध्यमी बारिश हो रही है, फिलहाल बारिश रुकने की संभावना जताई गई है और उसके बाद ही यात्रा को आगे की ओर भेजा जाएगा। पंचतरणी बेस कैंप की ओर यात्रा को तभी भेजा जाएगा जब ये बारिश रुकेगी। और फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और ये शेषनाग का दूसरी साइड का पड़ाव है जहाँ पर कि कोई भी नहीं रुकता और इस साइड सभी श्रद्धालु रुकते हैं। और फिलहाल आप सभी को बताना चाहूँगा कि यात्रा फिलहाल रोकी गई है और ऊपर जो ये पहाड़ देख रहे हैं इन पर बर्फबारी होने की संभावना है जहाँ पर बादल बैठे हुए हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी ठंड है। और ये आउटसाइड का व्यू आप देख रहे हैं, ठंड भारी है और बारिश हो रही है फिलहाल। और आप सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहूँगा अमरनाथ यात्रा में फिलहाल जितने भी टेंट कारोबारी थे यहाँ पर वो अपना कारोबार छोड़कर भी चला गए हैं। कई सारे लंगर्स भी उठाकर चले गए और काफ़ी सारे कैंप्स जो थे वो भी उठाकर चला गए हैं। और ये सामने आप नीचे देख रहे हैं अभी के लेटेस्ट व्यू, फिलहाल बारिश हो रही है और यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। जय श्री अमरनाथ। यात्रा शुरू होने पर मैं आप सबको आगे भी बता दूंगा कि यात्रा कब शुरू होगी और कैसा क्या होगा। कल हमें चंदनवाड़ी बेस कैंप से लगभग 12:30 बजे ऊपर भेजा गया था क्योंकि बारिश हो रही थी और उसके बाद लेट से यात्रा शुरू हुई थी, इसीलिए हम शेषनाग ही पहुंच पाए। और फिलहाल बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। जी हाँ, बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे हैं सभी श्रद्धालु और जल्द से यात्रा शुरू हो पाएगी। और फिलहाल आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप भी बाबा बर्फानी जी से उम्मीद करें कि जल्द से ये यात्रा बहाल हो और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु फंसे हुए हैं वो जल्द से दर्शन करके अपने घरों तक पहुँच पाएँ। जय श्री अमरनाथ।